Yo, what's up guys, Jordan Gamer here. Mera naam hai Franklin. Welcome back to another gameplay video of GTA 5. So guys, aaj ka jo episode hone wala hai, wo kaafi zyada shandar hone wala hai. So please guys, video ko aap logo ne end tak dekhna hai. Aaj ka jo mausam hai, wo bhi dekh pa rahe ho kitna zyada khatarnak hai. Theek hai, matlab yaar puri jagah se matlab itni kadi dhoop nikli hai aur jo upar ka jo mausam hai wo dikhne mein kafi zyada shandar lag raha hai. Isi baat pe dosto Franklin jo hai nahane ke liye ja raha hai, jaise ki aap log dekh pa rahe ho. Side to garam pani aata hai, is baar thande pani mein hum log nahi. Maza nahi aaya Franklin yaar. Dive leke dikha tere ko, dive achhi tarike se aati hai. Dive maar ke dikha de ek baar, theek hai. ये देखो गाइस, स्लो मोशन में भाई फ्रैंकलिन आप लोगों को आज डाइव मार के दिखाएगा. ये भाई साहब कितना सही मारी है इसने गाइस डाइव, आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे हो कितना ज्यादा सही लग रहा है फ्रैंकलिन अभी. तो गाइस, आज का जो एपिसोड होने वाला है ना, जो आप लोगों ने देखा है वही आप लोगों को देखने को मिलने वाला है. तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना. जो भी चैनल पे न्यू है वो प्लीज यार गाइस चैनल को जो है सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइब करने में बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे टिक कर लो. आने वाली जितनी GTA 5 की वीडियोस हैं सारी के आप लोगों को नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे. डेली वीडियो शार्प एट 11 AM. तो आज का जो एपिसोड है भाई इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा फ्रैंकलिन ने एक बहुत ही शानदार अकेडमी खोली थी, ठीक है. तो गाइस उस एकेडमी में सब कोई जो है ट्रेनिंग करने आ रहे हैं. जैसे कि आप लोगों को पता होगा माइकल भी रिस्पॉन हो चुका है, और उसके बावजूद गाइस यहां पर जो है माइकल मिलिट्री कर्नल बनने की तैयारी कर रहा है, ठीक है. तो यहां पर गाइस उसने जो है पेपर था वो दिया था, और पेपर जो है उसने निकाल लिया है, मतलब गाइस क्लियर कर लिया है पेपर पूरा. और अब उसको दोस्तों जो है फिजिकल की तैयारी करनी है. तो गाइस फिजिकल तो आप लोगों को पता है मिलिट्री का कितना ज्यादा टफ होता है. एक जवान भाई नॉर्मल जवान नहीं होता है, मतलब गाइस वो काफी कुछ ज्यादा झेल के आया होता है. और अगर आप लोग भी गाइस आर्मी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोग ज्यादा कुछ ज्यादा इससे जो है रिलेट कर पाओगे. तो मिलिट्री की जो तैयारी करता है गाइस वो काफी ज्यादा पावरफुल बंदा होता है. तो जैसे कि गाइस माइकल जो है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, और भयंकर अपनी जो है रनिंग वगैरह उसने जो है स्टार्ट कर दी है, जो कि गाइस एक लिमिटेड टाइम में आप लोगों को मिला जाता है. लेकिन उससे पहले गाइस आज जो है फ्रैंकलिन अपने कार की डिलीवरी लेने जा रहा है. जैसे कि आप लोगों को पता होगा माइकल पुलिस ऑफिसर बन चुका है. तो गाइस पुलिस ऑफिसर बनना एक तरह से ना अच्छी कार भी होनी चाहिए उसके पास. फिलहाल उन लोगों ने तो कार दी थी मेरे को, लेकिन गाइस वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, शेरिफ करके थी. हमने गाइस खुद की कार जो है ऑर्डर कर ली है, और गाइस आज जो है प्रीमियम मोटर डीलक्स स्पोर्ट्स पर उसकी डिलीवरी सिर्फ लेने जाना है मेरे को. और बाकी दोस्तों जो है मैंने इसकी पेमेंट सब कुछ कर दी है, ठीक है. तो ये देखो गाइस मैं आ चुका हूँ प्रीमियम मोटर डीलक्स स्पोर्ट्स पर. जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अपनी हार्ले डेविडसन बाइक मॉडिफाइड जो हम लोगों ने कराई थी, बहुत खटारा दिखती थी भाई. इसके पीछे जो है पेटी वगैरह डिग्गी वगैरह लगी हुई थी, इसको हम लोगों ने इतना ज़्यादा मॉडिफाइड कराया है. तो वो रही गाइस हमारी लग्जरी कार येलो कलर की. अब गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये वाली कार का कैस करके नाम बता दो आप लोग. फिलहाल नहीं बताओगे तो गाइस मैं तो आप लोगों को एंड में बता ही दूंगा. तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये कार कितनी ज़्यादा सही लग रही है. जैसे कि आप लोग देखो है तो भाई बुकाटी, और गाइस इसमें जो कलर टेक्स्चर दिया है वो येलो और रेड का दिया है भाई, अंदर से ही उतनी ज़्यादा लग्जरी दिखती है. और टायर में जो आप लोग कलर देख पा रहे हो वो ब्लू है. फिलहाल दोस्तों इसके पीछे जो नेम प्लेट है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, उसको भी हमें चेंज करवाना है. इंटीरियर देख पा रहे हो अंदर कलर का रेड कलर का मिक्सचर ब्लू कलर के दोस्तों. ये नेम प्लेट में जो लिखा है 47PIA125, इसको गाइस हमें चेंज करा के फ्रैंकलिन लिखवाना पड़ेगा, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा. फिलहाल दोस्तों हम लोगों ने अपनी कार की डिलीवरी ले ली है. ओके गाइस, तो इसके शॉक्स देख पा रहे हो आप लोग, भयंकर चारों साइलेंसर से निकलते हैं गाइस, मतलब 4 बूस्ट है इसके अंदर. और फिलहाल तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा बुकाटी खुद एक स्पोर्ट्स कार है. तो गाइस इस कार का नाम है बुकाटी डीवो. जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा शानदार है. और फिलहाल दोस्तों मैं नहीं चाहता कि भाई मैं इसको नए नए कार में ठोक दूँ यहाँ पर, लेकिन गाइस मैं ठोकना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, पर देखते हैं गाइस अब क्या होगा. बाकी तो आप लोगों को पता ही है ये फुल्ली बुलेट प्रूफ कार है, साथ ही में दोस्तों फुल्ली आर्मर्ड है, इसको कुछ भी डेंट वगैरह भी नहीं पड़ सकता है. जो हमने इसकी प्राइस दी है आप लोग जरूर से गेस करके मुझे कमेंट में बता सकते हो, प्लस इसका नेम भी बता देना, ठीक है. तो फिलहाल गाइज मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि माइकल कहाँ पे दोस्तों जो है प्रैक्टिस वगैरह करता है. फिलहाल दोस्तों हम उस ग्राउंड पे आ चुके हैं. दिन के गाइज मेरे ख्याल से 1 बज रहे हैं अभी, ठीक है, दोपहर के 1 बज रहे हैं. अब गाइज माइकल को जो है मिलिट्री कर्नल बनना ही है. जैसे कि दोस्तों आप लोग देखो उसका सपना जो है मिलिट्री कर्नल बना लॉस सैंटोस का, और उसके बाद गाइज वो जो है काफ़ी ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनेशन साथ ही में दोस्तों पूरी मिलिट्री अपने अंडर कर सकता है, जिसके कारण दोस्तों उसको जो है फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा मिलेगा. तो फाइनली गाइज हम लोग एक ट्रैक पर आ चुके हैं,
जो कि दोस्तों 400 मीटर का ट्रैक है, 1600 मीटर की दोस्तों इसमें जो है रनिंग होने वाली है और उसका टाइम लिमिट होता है दोस्तों 5:30 मिनट। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर गाइस, ये रहा गाइस माइकल, आप लोग देख पा रहे हो कितनी तगड़ी तरीके से भाग रहा है। ओके गाइस, तो फुल्ली जैसे आप लोग देख पा रहे हो भाई, मेरे को तो मिल्खा सिंह की याद आ गई, कितनी तेज रनिंग कर रहा है कड़ी धूप में गाइस। और मेरे ख्याल से गाइस ये बहुत ज़्यादा राउंड यहाँ पर मार चुका है और स्वेट भी काफ़ी ज़्यादा इसका निकल रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइस, अभी फ्रैंकलिन इसके पास में जा रहा है, अभी ये रुकेगा कि चलता रहेगा, तो मेरे ख्याल से रुक तो गया है, लेकिन लगता है रेस्ट ले लेके गाइस स्प्रिंट मार रहा है। ओके, तो भाई मेरा जो है शक बिल्कुल सही निकला, जैसे गाइस आप लोग देख पा रहे हो रेस्ट ले लेके ये फुल जो है 400 मीटर की स्प्रिंट मार रहा है। अभी गाइस भीड़ में इनको जो है दौड़ना पड़ेगा, फिलहाल मैं इसकी रनिंग आप लोगों को दिखाता हूँ कितना ज़्यादा बंदा जो है प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, ऐसी दोस्तों लगन होनी चाहिए, आप लोग को इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर से मिलेगा ही। अपने गोल के पीछे पागल होना पड़ता है, दोपहर के 1 बजे गाइस ऐसे जो है भागना भाई सल्यूट है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये बंदा सूट पहन के क्यों भाग रहा है? चलो अच्छा लगता है भाई, मेरे ख्याल से लगता है कोई टाइमिंग वगैरह निकालने के लिए ये ऐसे कर रहा है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे हो, ये भाई वर्कआउट भी करने लग रहा है यहाँ पर, मतलब पेट वगैरह कम करने के लिए एबीएस एक्सरसाइज कर रहा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हमारी जो है रनिंग होने वाली है मिलिट्री की, लेकिन ओके। तो गाइस आप लोग को सुनाई दे रहा है कुछ भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही है, बार्किंग की। ओके ओके, तो भाई चार चार कुत्ते पीछे जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। चार कुत्ते भाई भी गए जस्ट, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो गाइस, ये रहे चार कुत्ते भाई, किसको मारने कुछ कर रहे हैं। ओके गाइस, तो ये छोटा सा प्यारा सा पिटबुल है, लेकिन गाइस 5 रॉटविलर उसको मारने आए हैं भाई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई, तुम लोगों को और कोई लड़ने को नहीं मिला जो भाई 5 रॉटविलर आके भाई एक छोटे से प्यारे से पिटबुल को मार रहे हो? फिलहाल दोस्तों फ्रैंकलिन क्या इसे बचाएगा या फिर इसे कौन बचाएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, अगर हम स्नैपशॉट से आप लोगों को दिखाएं तो फाइनली गाइस इन्होंने उसे किल कर दिया है, कितना ज़्यादा प्यारा बच्चा था वो। और फाइनली गाइस अभी मारते वक्त भी गाइस उसे छोड़ नहीं रहे हैं, उसे लगातार मारते ही जा रहे हैं, मतलब उसकी जो लाश या फिर दोस्तों उसकी जो कोई भी होगी उसको गाइस जो है उसको उठा उठा के पटक रहे हैं दोबारा से। पता नहीं क्या इसको भाई इतनी खुलस निकाल रहे हैं भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये क्या गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो फाइनली यहाँ पर लगता है कोई इसे बचाने आ गया है। ओके, तो वहीं पर एक दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो व्हाइट कलर का पिटबुल और आ चुका है एंट्री लेके, और इसने कहा इस ब्लैक वाले पिटबुल को कितनी बुरी तरीके से मार दिया रॉटविलर ने। और ये क्या बचा पाएगा भाई, इतने मोटे मोटे रॉटविलर हैं, क्या गाइस अकेले पिटबुल इन चार, ओ भयंकर, ये तो गाइस काफ़ी ज़्यादा इनसेन फाइट लग रही है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइस, ये जो पिटबुल है वो लगातार गाइस जो है छोटा सा पिटबुल है भाई, और रॉटविलर के इतने बड़े बड़े साइज वाले डॉग्स को जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा हट्टे कट्टे, ओ भयंकर धूल सी चटा दी है भाई, हैट्स ऑफ। इसने गाइस अपने बेटे को तो नहीं बचा पाया ये भाई, जो भी हो इसका भाई हो या पता नहीं कौन है, लेकिन गाइस ये है तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट डॉग, और गाइस इसको तो नहीं बचा पाया, पर पता नहीं अब क्या होगा। ठीक है, लेकिन गाइस उसने जो है सबक जरूर से सिखा दिया है। तो गाइस ये वाली फाइट तो काफ़ी ज़्यादा इंसेन थी। फ्रैंकलिन यानी कि आप लोग देख पा रहे हो 13:20 भाई लाइफ प्रूफ है, 1:20 यहाँ पर हो रहे हैं, और फाइनली गाइस अभी तक यहाँ पर जो माइकल जो है करते ही जा रहा है, मेरे से बात तक भी नहीं कर रहा है। और ये क्या गाइस, मेरे पीछे ये कुत्ता क्यों आ रहा है? गाइस आपको क्या लगता है कि भाई मैं इस कुत्ते को पाल लूँ कि नहीं पालूँ? फिलहाल तो गाइस मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि भाई मैं अब कुछ डॉग्स पालूँ भी, क्योंकि गाइस जितने मैंने डॉग्स पाले थे वो सारे के सारे मर चुके हैं, और भाई दुश्मनी में दोस्तों डॉग्स को भी मारा जाता है, तो भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। फिलहाल आप लोग क्या बोलते हो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना, इस वाले डॉग्स को हमें पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। हालाँकि दोस्तों ये पिटबुल जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगा मेरे को लॉस सैंटोस में पूरे, और क्योंकि गाइस इसने अकेले 3 रॉटविलर को मार दिया है विदाउट एनी अपग्रेडेशन। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, और माइकल की आप लोगों को लगन कैसी लगी भाई मिलिट्री कर्नल बनने की? अरे मैडम जी हट जाओ ना, नहीं तो यार गिर गेट, अरे देखो गिर भी गई मैडम, चलो कोई बात नहीं। गाइस इस वीडियो में इतना ही, वो डॉग हमारे फिर से पीछे पीछे आ रहा है, आप लोगों को क्या काम करना है जरूर से कमेंट करना है, लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर करना है, और जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टिक कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।